बिहार में अर्चना और आप देख रहे हंगामा टाइम्स की जिस तरह मुहिम में समस्या हो तो घंटी बजाओ। लोग घंटी बजाते हैं, अपनी समस्या बताते भी हैं, समस्या का समाधान भी हम आपको दिखाते हैं। तो वैसे ही इस समय हम लोग हैं लखनऊ के विकास नगर में हैं। विकास नगर थाने का मामला है जहाँ पे एक ई रिक्शा, यानी कि जो ई रिक्शा होता है जिसको लोग चलाते हैं अपनी रोजी रोटी के गुजर बसर करते हैं, तो वो ई रिक्शा कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि जो बेचते हैं और बेच कर वो जो लोग खरीदते हैं तो उनको देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ई रिक्शा लेके जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। जब उनका मामला थाने में दर्ज होता है तो थाने वाले या चौकी वाले कोई सुनवाई नहीं करते। तो ऐसा मामला है जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये बालाजी ट्रेडिंग की दुकान है, यहाँ पे ई रिक्शा मिलते भी हैं और वो बेचते भी हैं। तो उन्होंने अपने एक परिचित को ई रिक्शा जो है डेमो के रूप में दिया था, लेकिन वो लेके फरार हो गया। 3 साल से वो ई रिक्शा की जांच कर रहे थे, थाने चौकी पे उन्होंने कंप्लेन भी करी, लेकिन थाने वाले कुछ नहीं सुन रहे थे। उन्होंने अपने संघर्षों से कुछ दिनों पहले ही जो है ई रिक्शा को प्राप्त किया, यानी कि ई रिक्शा का 46 नंबर से उन्होंने उसका पता लगाया और उसको वहाँ से ले लिया, जिसके बाद थाने वाले उनको दिन रात परेशान कर रहे हैं। तो पूरा क्या मामला है तो पीड़ित पक्ष से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आपका पूरा नाम क्या है सर? हमारा पूरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है और मेरे जो है दुकान बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। कंपनी सिटी ग्रीन कंपनी है, ये रिक्शा कंपनी है। वो मेरे यहाँ डिस्प्ले में गाड़ी खड़ी करी थी एक, जिसको जो है लोगों को प्रचार प्रसार के लिए कि ये गाड़ी भी उनकी प्रचार प्रसार के लिए खड़ी थी कि खरीद सके लोग। तो मैंने जो है विष्णु तिवारी को सन 2020 में कंपनी की गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए दिया था। मेरी वाइफ बैठी हुई थी दुकान पे, जिनके द्वारा वो ले गए परिचित बचा के मेरे फ़ोन से बात करके, तो दे दिया गया। उसके बाद इन्होंने रिक्शा वापस नहीं किया, जिसके दूसरे दिन मैंने दबाव डाला तो उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे देंगे, अब गाड़ी वापस नहीं करेंगे आपकी। तो हमने ये भी बताया कि कंपनी को जो है जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा आपको कोई कागज़ नहीं देगी। तो उन्होंने उस पर राजी हो गए, कहा कि 1 महीने में आपकी रिक्शे का भुगतान करके हम कागज़ ले लेंगे। और आज 3 साल हो गया है, मैंने कई बार थाना विकास नगर IGRS पे भी पोर्टल पे भी मैंने कई बार कंप्लेन किया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है थाने पे और मामले को रफा दफा कर रहे हैं। अच्छा, जब नया रिक्शा आया था आपके पास तो कितने का था, उसका दाम क्या था? उसका दाम 1,30,000 ऑन रोड था। तो उन्होंने कितना पैसा आपको थोड़ा थोड़ा करके दिया? उन्होंने 50-60 हज़ार के आसपास दिया है, जो कि उनकी ही हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, विष्णु तिवारी की हैंड राइटिंग। यानी कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके दिया, कच्चे से दिया आपका? हाँ, नगद दे गए थे और अभी भी 66,000 रुपए कापी में, कच्चे कापी में लिखा हुआ है रजिस्टर में, जो कि भुगतान करेंगे तभी कागज देंगे। अच्छा। तो जब उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया तो मैंने गाड़ी जो है का पेपर नहीं कंप्लीट कराया और उन्होंने गाड़ी दूसरे तीसरे के हाथ भेज दी, दूसरा नंबर प्लेट लगा के, जो कि 420 होता है। आरोपी का नाम विष्णु तिवारी है? आरोपी का विष्णु तिवारी नाम है, वो टेढ़ी पुलिया सब्जी मंडी कुर्सी रोड पे रहता है, थाना विकास नगर उसका भी लगता है। अच्छा, अच्छा। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपसे? पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये गाड़ी ले आइए थाने पे और आप जाइए कोर्ट से निपटिए। अब मेरा पैसा बाकी है, मैं थाने पे गाड़ी क्यों ले जाऊं? मुझे पैसा दिलवाएं और गाड़ी ले जाएं। अब एक तो उन्होंने दूसरा नंबर प्लेट लगाया है, जब कंपनी ने मुझे 46 नंबर है मेरा और मेरी गाड़ी पे 46 नंबर है, मेरे नाम अलर्ट है, तो मुझसे गाड़ी क्यों मांगा जा रहा है कि थाने पे ले आइए थाने पे ले आइए, और नहीं तो आपको जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मैं क्यों ले जाऊँ? तो हमारे अड़ोस पड़ोस के दुकानदार आए, उन्होंने समझाया पुलिस वालों को कि जब इनका कागज़ है तो ये गाड़ी रखे हैं, अगर उनके पास भी कोई कागज़ हो तो वो प्रूफ दिखाएं, हम गाड़ी दिलवा देंगे। तो ऐसा नहीं कर पाए, ना पुलिस वाले कर पाए, ना विष्णु तिवारी कर पाए, और ना विष्णु तिवारी जिसको गाड़ी बेचे वो भी कर पाया। अब आप बताएं कि हम कहाँ जाएं? तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इनके हाथ में जो कागज है उसमें 46 नंबर भी लिखा हुआ है जो इनके पास में है, और सिटी ग्रीन का जो अथॉरिटी लेटर है वो भी आपको दिख रहा है। साथ में इनके पास जो ये प्रार्थना पत्र है, जो इन्होंने प्रार्थना पत्र कई दिनों से दे रहे हैं, जिसपे आप तारीख देख रहे हैं 3/6/2023 लिखा हुआ है, और साथ में जो ये आपको जो प्रार्थना पत्र है सारी चीजें आपको दिख रही है। तो लगातार गुहाल लगाने के बावजूद भी
पीड़ित पक्ष को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। 2020 का मामला है, अब 2023 खत्म होने वाला है, चौथा साल यानी कि 2024 लगने वाला है, जिसके साथ में उनको पुलिस थाने से तो कोई राहत नहीं मिल रही है, साथ में उनको उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि ई रिक्शा जो इनका है वो ला करके थाने पे खड़ा करे। तो सर ये बताइए, सर कैसे पता चला था आपको कि ये ई रिक्शा कहाँ पे है? मैंने अभी जल्द में बालाजी चार्जिंग स्टेशन के नाम से स्मार्ट बैटरी का वो डलवाया स्टेशन अपनी दुकान पे, तो उसमें ये गाड़ी आई सिटी ग्रीन की, तो मैंने इसका चेचिस नंबर फोटो खींच लिया, क्योंकि मुझे सिटी ग्रीन पे वो था कि मैं शक था कि किसी ना किसी दिन तो मेरी गाड़ी आएगी स्टेशन पे, और उसमें स्मार्ट बैटरी लगा होने के कारण मेरे यहाँ चार्जिंग स्टेशन पे आई थी चार्ज कराने, रिचार्ज कराने, स्वैप कराने। तो मैंने जब इसका फोटो खींचा, अपने यहाँ कागज़ से मिलाया इसका चेचिस नंबर, तो ये मेरी गाड़ी ही ठहरी। तो ये जब दोबारा आई रिचार्ज कराने के लिए, स्वैप कराने के लिए, तो मैंने इसको रोक लिया। हमने कहा इसका पेपर मंगवाइए, तो इनके मालिक ना ही अभी तक पेपर कोई इसका दे पाए हैं, बस इसमें नंबर प्लेट जो ये लगा हुआ है, ये नंबर प्लेट इसका जो ये दिखा रहे हैं ये दूसरी कंपनी का नंबर प्लेट है सुविधा गाड़ी का, जो कि विष्णु तिवारी के नाम से है, और जबकि ये गाड़ी सिटी ग्रीन है, सिटी ग्रीन ऑटो है। अच्छा, सिटी ग्रीन की गाड़ी है और नंबर जो किसका लगा हुआ, किसका? सुविधा कंपनी का। जैसे ये नंबर आप देख रहे UP 32 MN 3071 जो नंबर है, ये दूसरे ई रिक्शा का नंबर है, जो दूसरे ई रिक्शा पे लगा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है, और जो है उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन दीजिएगा थाने पे, तो सोच समझ के। कई बार मुझे इस मामले में थाने पे बिठा के ये कहा गया है कि इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, जिसके उपलक्ष्य में मुझे 2-4 घंटे थाने पे बैठना भी पड़ा था, समझौता करने के लिए कि आप 66,000 तो भूल जाइए, और ना ही इसका चोरी का कंप्लेन लिखाएगा भविष्य में ना ही ये। तो मेरी वाइफ ने कहा मैं अपना पैसा नहीं भूलूंगी, किसी ना किसी दिन जो है गाड़ी जब हाथ में आएगी तो ले लूंगा इनसे। अच्छा, जो सरकार आपको देख रही है, शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, और योगी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आपके पुलिस विभाग में कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जिसके द्वारा जो है आपका प्रशासन, आपकी जो है मान मर्यादा, आपका जो है राजनीतिक प्रभाव खराब हो रहा है, नियम की धज्जियां उड़ा रहा है, जिस पे भी उचित कार्रवाई करें, जिससे जनता आप पे भरोसा कर सके। तो ये थे हमारे साथ में पीड़ित पक्ष, जिन्होंने बताया जो अपनी दुकान यहाँ पे कुर्सी रोड विकास नगर में जो अपनी दुकान लगाते हैं, दुकान के साथ वो ईमानदारी से काम भी करते हैं और लोगों के तक सुविधाएं पहुँचाते जो उनके पास सुविधा आती है, लेकिन जब कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग ऐसे ही लोगों को परेशान करते हैं तो व्यापारी जो है न्याय के लिए अपने नज़दीकी थाने पर जाता है गुहार लगाने, जहाँ पे थाना पुलिस वाले ना उनकी सुनवाई करते हैं ना चौकी वाले सुनवाई करते हैं, साथ में उनसे कहते हैं समझौता कर लो। तो समझौता कैसे कर ले? पुलिस का काम है FIR लिखना और उसको न्यायालय तक पहुंचाना, बीच में समझौते की बात कहां से आ जाती है? जब 1,30,000 का जो उनका ई रिक्शा है और उनको 50,000 से 60,000 रुपए मिले हैं, बाकी पैसा कौन देगा? या तो उनको खुद कंपनी वालों को भरना पड़ेगा या तो वो खुद भरेंगे। तो कैसे योगी सरकार में ऐसे ही पुलिस वाले अपनी जो मनमानी करते रहेंगे, समझौता कराते रहेंगे? तो ये थे हमारे साथ पीड़ित पक्ष, जिन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई किस तरह से वो 3 सालों से अपने ही हक की लड़ाई लड़ने में जुटे हुए, लेकिन अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज के साथ में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि समस्या हो तो घंटी बजाओ, तो कैसे हंगामा टाइम समस्या तक पहुंचता है, उसका समाधान करता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।